नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और इन वीडियोस को प्यार मिलता है, इसीलिए हम आपके लिए स्पेशली कुछ लेकर के आए हैं। करिश्मा कौशिक नाम से यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे आप मेरी और भी वीडियोस को प्यार देते हैं उसी तरह से ही इन वीडियोस को भी प्यार भेजिएगा, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके। तो आज हम बात करेंगे कि हम अगर एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी लिए हैं ये बहुत ही कॉमन है हर एक व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक ये शब्द बहुत कॉमन है। डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई है, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन हो गया है, तनाव की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेशली जब हम काम करने जाते हैं, यानी जब हम अपने जॉब पे जाते हैं सुबह, उसके बाद हम घर पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है। फ्रेशनेस तो नहीं होती, किसी के अंदर भी नहीं होती, चिड़चिड़ापन होता है। फिर फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, तो कहीं ना कहीं हर एक टाइम को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें हो जाती हैं, मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन की मेडिसिंस लेते हैं, अलग अलग तरह की मेडिकेशन पे रहते हैं, जो कि वो हमारी बॉडी को एक अलग ही फैक्टर पे ले जाती है, कहीं ना कहीं और भी इस तरह की समस्याएं हमें होनी शुरू हो जाती हैं। मगर इन समस्याओं का केवल एक निवारण है। अगर आप इन चीज़ों को कभी ट्राई नहीं किया है तो मेरे एक्सपीरियंस से ज़रूर करके देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, अगर आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं की है, मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत कॉमन है, आपने आम तौर पे हर एक व्यक्ति से सुना होगा। आजकल मेडिटेशन सेंटर्स भी खुल रहे हैं और हर व्यक्ति जो है इसकी ओर भाग रहा है। ये जो प्रचलन में, यानी अगर ट्रेंड में अगर देखा जाए तो अब आया है, मगर क्या आप जानते हैं जो हमारे करोड़ों साल पुराने, अगर हम अपने सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं भी पढ़ें या अगर हम सिर्फ एक गॉड को भी देखें, यानी अगर हम देखें महादेव को, भगवान शिव को, तो वो भी एक ऐसी पोजीशन में है जिसमें कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। या अगर हम गौतम बुद्ध को भी देखते हैं तो वो भी एक ऐसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जिसमें वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन करने से आप अपने जीवन में हर तरह का जो तनाव है या आपके जीवन में चिड़चिड़ापन हो रहा है, चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो पा रही हैं, ये सभी चीज़ें जो है मैनेज हो जाती हैं, आपकी सेहत में सुधार आता है। अब आप ये सोचेंगे मेडिटेशन से किस तरह से सेहत में सुधार आता है, तो देखिए मेडिटेशन आपको किस तरह से करनी है सेहत में सुधार लाने के लिए। तो देखिए, मेडिटेशन जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आपके लिए दवाई का काम करती है जिसकी वजह से इन सब चीज़ों से आप बाहर आने लगते हैं। अब मेडिटेशन आपको करना किस तरह से है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप रात को सोते सोते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जानकर हैरानी हो गई कि रात को सोते सोते मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी जगह पर, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे, आप लेटिए या बैठ जाइए, जैसा भी आपको ठीक लगे, और मन में आपको सिर्फ ओम चांट करना है, या अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी गुरु को मानते हैं, तो केवल उनका नाम आपको लेना है और लंबी लंबी आपको सांसें लेनी है और धीरे धीरे उन सांसों को आपको छोड़ना है। आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। और अगर ये भी आपसे संभव ना हो, इतना भी आप ना कर पाए, तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आजकल YouTube पे बहुत सारे मेडिटेशन जो सॉन्ग्स हैं या रिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं, इनको आप लगा करके इसी तरह से जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो बैठ जाइए या लेट जाइए और धीरे धीरे मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए। हार्डली आप 5 से 10 मिनट, 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट इस चीज़ को दीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो गया है। और अगर आप काम से, ऑफिस से, अपने बाहर से, कहीं से भी कोई भी काम करके अगर घर में आते हैं और आप चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके
समाप्त होने लग जाएंगी, यानी एंड होने लग जाएंगी, और एक तरह से आप अपना जीवन में तरोताजगी महसूस करेंगे। और अगर आपको ये शिकायत है कि आपको नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी और बिना किसी मेडिकेशन के ठीक होंगी। तो ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन। और कैसा लगा हमारा विषय, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर स्पेशली आप कुछ और विषय पे भी बात करना चाहते हैं तो अपना विषय कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताने का प्रयास करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राधे।